औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित निमिडी, ढकपहरी और तारछुआ गांव में अफीम की 25 एकड़ में लगी फसल को मदनपुर थाना की पुलिस, वन विभाग और उत्पाद विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर नष्ट किया गया है। वैसे यह कार्रवाई गुरुवार को एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम के निर्देश पर किया गया है। यह कार्रवाई मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। बता दें आपको कि जंगली क्षेत्र में गैर कानूनी खेती की जा रही है, जिसे विशेष अभियान के तहत एएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि 25 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। वही त्वरित कार्रवाई करते हुए खेती करने वाले को चिन्हित करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में निमिडीह निवासी विनय रिकियासन, ढकपहरी निवासी सतेंद्र भुइया, अजय भुइया, चकरबंधा निवासी मोहम्मद दानिश अनवर, उमाशंकर साव, गोविंद साव और तारचुआ निवासी उपेंद्र प्रसाद गुप्ता है। उक्त लोगों को NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर शुक्रवार को जेल भेजा गया है।